क्वेश्चन है x बराबर 8 प्लस 3 रूट 7, तो x प्लस 1 बाय एक्स और x माइनस 1 बाय एक्स क्या होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को डायरेक्टली बनाने के लिए मैं आपको ट्रिक दूंगा और साथ में आपको ये भी डिफाइन कर दूंगा कि ये फिर बनता कैसे है, यानी कि लॉन्ग मेथड में। तो सबसे पहले देखिए x बराबर 8 प्लस 3 रूट 7 दिया हुआ है, तो अगर इसका आप 1 बाय एक्स निकालेंगे तो क्या होता है कि आप अगर ये दिया हुआ है, जैसे कि स्क्वायर दोनों का करेंगे और दोनों का स्क्वायर में अगर माइनस यानी कि 1 आता है दोनों का स्क्वायर को माइनस करके, तो उसके बीच में माइनस लगा देते हैं। जैसे कि 8 का स्क्वायर आप अगर करते हैं तो 64 होता है, उसके बाद माइनस 3 का स्क्वायर तो 3 दिया 9 और रूट 7 का स्क्वायर तो 963, यानी कि 64 माइनस 63 बराबर 1। अगर ये आ जाता है तो हम क्या करते हैं कि सिर्फ डायरेक्टली 8 माइनस 3 रूट 7 कर देते हैं, ये ऐसा कर देते हैं, या इसको अगर आप परिमेयकरण करेंगे फिर भी ये इतना ही आएगा 1 बाय एक्स निकालेंगे तो ये इतना आ गया। अब पूछा जा रहा है कि x प्लस 1 बाय एक्स क्या होगा, तो आप तो डायरेक्टली x यानी कि 8 प्लस 3 रूट 7 और 1 बाय एक्स, तो 8 प्लस 3 रूट 8 प्लस 3 रूट 7 और प्लस 8 माइनस 3 रूट 7, क्योंकि x प्लस 1 बाय एक्स निकालना है, 3 रूट 7 3 रूट 7 को काट देंगे तो आपका आ जाएगा 16। तो ये तो आ गया लॉन्ग मेथड से जब आप ऐसे करके निकालेंगे। लेकिन अगर डायरेक्टली आपको x बराबर 8 प्लस 3 रूट 7 दिया हुआ है, ठीक है, और डायरेक्टली आपको अगर x प्लस 1 बाय एक्स निकालना है, जैसे कि मैं x प्लस 1 बाय एक्स निकालना है, तो आप अगर इतना नहीं करना चाहते हैं तो आपका डायरेक्टली 16 कैसे आएगा। तो देखिए ये जो 12 वाला दिया हुआ है यानी कि ये जो 8 दिया हुआ है, इसको आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब भी आपको ऐसा दिया रहे तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यही आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि x प्लस 1 बाय एक्स आ जाएगा। चलिए अब x प्लस 1 बाय एक्स तो आ गया, अब फिर दिमाग में आपका होगा कि x माइनस 1 बाय एक्स कितना आएगा। तो x माइनस 1 बाय एक्स जब भी आपको निकालना हो तो ये छोटा वाला को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो छोटा वाला जो मेरा दिया हुआ है वो 3 रूट 7 दिया हुआ है, तो 3 रूट 7 को आप क्या करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे रूट 7, यानी कि जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 6 रूट 7, यानी कि 6 रूट 7। अब देखिए ये 6 रूट 7 कैसे आता है, तो इसको मैं भी अभी डिफाइन करके बताता हूँ, जिस तरह से ये इसको मैंने लॉन्ग मेथड से बताया उसी तरह। तो क्या करेंगे, x माइनस 1 बाय एक्स, तो x मेरा दिया हुआ है 8 प्लस 3 रूट 7, तो 8 प्लस 3 रूट 7, और उसके बाद माइनस दिया हुआ है तो माइनस लिखेंगे यहाँ, और माइनस के बाद जो मेरा 1 बाय एक्स दिया हुआ है वो माइनस 8 और माइनस माइनस प्लस प्लस 3 रूट 7, तो ये माइनस 8 कट गया, 3 को आप जब जोड़ेंगे तो 6 रूट 7। देखिए ये भी आ गया, यानी कि जो आपने अभी साउथ मेथड से मैंने आपको ट्रिक से माध्यम से बताया था कि अगर आपको x प्लस 1 बाय एक्स निकालना हो तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका लॉन्ग मेथड से आएगा उतना ही आएगा। उसके बाद अगर आपका x माइनस 1 बाय एक्स निकालना हो तो ये जो छोटा वाला दिया है इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो लॉन्ग मेथड से निकालेंगे उतना ही आएगा। तो ऐसा जब भी आपको कहीं भी प्रॉब्लम में दिखे तो आप इसको ऐसे बनाएंगे। आशा करूँगा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।